नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में जल्द ही एक और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद बिहार और यूपी के कई जिलों के बीच आवागमन और भी बेहतर हो जाएगी। अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 लेन पुल का उद्घाटन किया था, जो पटना को शाहबाद और पूर्वांचल से जोड़ता है। पटना से आरा बक्सर आने जाने के लिए इस पुल की मदद से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस पुल की मदद से लोग बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, जबकि अब एक और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जो पटना से आरा बक्सर हैदरिया बलिया तक जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कोइलवर पुल के उद्घाटन के मौके पर दी। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि पटना से आरा बक्सर हैदरिया बलिया तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की लंबाई 118 किलोमीटर होगी। 4 लेन के इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण में 8500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस नए कॉरिडोर का निर्माण 4 चरणों में होगा, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आरा रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ने के बाद सड़क मार्ग से पटना और आरा से दिल्ली की दूरी लगभग आधी हो जाएगी। कॉरिडोर को आरा रिंग रोड से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी। इस रोड के निर्माण में 381 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 6 लेन पुल के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि अगले 3 साल में बिहार में अमेरिका की सड़कों के बराबर रोड बनाए जाएंगे। बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 8 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस साल के अंत में बिहार में कई 4 लेन सड़कों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा, जबकि कई नई सड़कों का टेंडर भी इसी वर्ष जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे यह कहा कि जल्द से जल्द पटना बीटा वाली एलिवेटेड सड़क के काम को भी शुरू किया जाएगा। वहीं पटना आरा सासाराम के लिए भी एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके तहत सोन नदी पर आरा के पास 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत ही इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। 192 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी से बिहार के औरंगाबाद तक किया जाएगा। इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर और बिहार में 135 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर धनबाद को भी जोड़ेगा, जो कि झारखंड में स्थित है। पटना से बेतिया 165 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए 10000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।